हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो यूट्यूब ने एक नया अपडेट अनाउंस किया है, जिससे क्या फर्क पड़ने वाला है यूट्यूब क्रिएटर को, इससे क्या बेनिफिट या फिर लॉस है, सारा सब कुछ डिटेल में आगे इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो अब वीडियो को करते हैं शुरू। तो यूट्यूब का जो नया अपडेट है वो यूट्यूब शॉर्ट्स को लेकर के है। तो यदि आप एक यूट्यूब शॉर्ट्स क्रिएटर हैं या फिर अपने चैनल पे लॉन्ग वीडियो के साथ साथ शॉर्ट्स भी अपलोड करते हैं, तो आपको पता होगा कि अभी प्रेजेंट टाइम में आप अपने यूट्यूब चैनल पे जो भी शॉर्ट्स अपलोड करते हैं उसका लेंथ होता है 60 सेकेंड, एक मिनट का ही शॉर्ट्स होता है। लेकिन अब जो यूट्यूब का नया अपडेट है शॉर्ट्स को लेकर के, उसके बाद आप अपने यूट्यूब चैनल पे अप टू 3 मिनट का शॉर्ट्स भी अपलोड कर सकेंगे, जो फाइनली 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। इसको लेकर के सभी यूट्यूब क्रिएटर के पास यूट्यूब के तरफ से मेल भी भेजा जा रहा है। मुझे ये मेल मिल चुका है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आप भी अपना मेल चेक कर सकते हैं, आपको भी मेल आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आ जाएगा। आगे उससे मोनेटाइजेशन में क्या फर्क पड़ेगा उसके बारे में जानते हैं। तो आप जब अपने YouTube चैनल पे अप टू 3 मिनट का शॉर्ट्स अपलोड करेंगे तो वो भी शॉर्ट्स में ही काउंट होगा, क्योंकि जो शॉर्ट्स आप क्रिएट करेंगे वो वर्टिकल मोड में होगा, जिसका फॉर्मेट 9:16 होगा। तो ये शॉर्ट्स का रेशियो है। तो पहले जैसे 60 सेकंड एक मिनट का शॉर्ट्स आप अपलोड करते थे तो मोनेटाइजेशन के लिए उस शॉर्ट्स का केवल व्यूज ही काउंट होता था, वॉच टाइम काउंट नहीं होता था। तो सेम इसका भी उसी तरह है। आप यदि अपने यूट्यूब चैनल पे अप टू 3 मिनट का शॉर्ट्स अपलोड करते हैं तो वो भी शॉर्ट्स में ही काउंट होगा, वो भी शॉर्ट्स ही है, तो उसका भी सिर्फ व्यूज ही काउंट होगा, उसका वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। यूट्यूब का कहना है कि जो वीडियो वर्टिकल मोड में होता है, जिसका फॉर्मेट 9:16 होता है, वो शॉर्ट्स में ही काउंट होगा, चाहे वो 60 सेकंड एक मिनट का हो या फिर अप टू 3 मिनट का हो, तो उसका केवल व्यूज ही काउंट होगा, उसका वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। तो चैनल मोनेटाइजेशन के लिए आपको अपने यूट्यूब चैनल पे जैसे पहले शॉर्ट्स से 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट करना पड़ता था, पूरा करना पड़ता था, तो आप यदि अप टू 3 मिनट का भी शॉर्ट्स अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे फिर भी आपको अपने YouTube चैनल पे 10 मिलियन व्यूज 90 डेज के ड्यूरेशन में पूरा करना ही होगा, तभी जाकर के आपका YouTube चैनल मोनेटाइज किया जाएगा। आगे अर्निंग की बात करते हैं। तो जैसे आप अपने YouTube चैनल पे पहले शॉर्ट्स अपलोड करते थे 60 सेकंड एक मिनट का, तो जिस प्रकार उस पे अर्निंग होता था, सेम उसी तरह अर्निंग यदि आप अपने YouTube चैनल पे अप टू 3 मिनट का शॉर्ट्स भी अपलोड करेंगे तो उसी तरह का अर्निंग होगा। आगे इसके साथ ही यदि आप अपने YouTube चैनल पे अप टू 3 मिनट का शॉर्ट्स अपलोड करते हैं और उसमें जो म्यूजिक साउंड यूज करते हैं वो यदि कहीं अलग से कहीं दूसरे जगह से आप लेते हैं और उस पे कॉपीराइट आ जाता है, तो YouTube आपके उस शॉर्ट्स को ब्लॉक भी कर सकता है। तो यदि आप अपने YouTube चैनल पे अप टू 3 मिनट का शॉर्ट्स अपलोड करते हैं तो आप उसके लिए जो म्यूजिक और सॉन्ग यूज करेंगे वो आप YouTube लाइब्रेरी से ही यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो बेहतर रहेगा। आगे YouTube ने यह भी बताया है कि जैसे आप अपने YouTube चैनल पे पहले 60 सेकंड एक मिनट का शॉर्ट्स अपलोड करते थे तो उसमें कोई बदलाव नहीं है, उसे आप उसी तरह अपलोड करते रहे। आगे लॉन्ग वीडियो के लिए भी कोई चेंजमेंट नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको बताया, आई होप कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आगे ये वीडियो आपको कैसा लगा पक्का कॉमेंट कीजिएगा, और यदि थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और जो चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज इस वीडियो को करते हैं एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।